नमस्कार प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये चीज तो आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए मॉडल पेपर आ चुका है। हाँ, सचमुच सच में बिहार बोर्ड का 2023 का मॉडल पेपर आ चुका है, जिसमें से हम लोगों को सबसे मेन क्या चीज पता चलेगा कि कितने ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और दूसरी चीज क्या पता चलेगी कि और कितने सब्जेक्टिव्स रहेंगे और सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन रहेगा। क्लियर बात है, बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर पीडीएफ यानी कि इसका मॉडल पेपर का लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी डाउनलोड नहीं हो रही है, थोड़ी सी देर में डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि आप लोगों को दिखाएंगे और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड भी करने को मिलेगा। कहाँ पे? हमारे इसी चैनल पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो जल्दी ही हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए थोड़ा सा पैटर्न की बात करते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कितने सब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज की बात है, तो इसको थोड़ा सा सरप्राइज ले लेते हैं। आपको दिखाता हूं ओरिजिनल पीडीएफ। ये जो है ये मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स का क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड बीएससीबी मैथ का ये क्वेश्चन है। यहां से आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का है, मैथमेटिक्स गणित का है, ये सब्जेक्ट कोड ये सब पूर्णांक एक सही रहेगा, बाकी सब चीज तो रहेगा ही रहेगा। ये मैथमेटिक्स का डाउनलोड हो चुका है, जो कि आप अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड नहीं हो तो आप हमें प्राइवेटली पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जो हमारे संपर्क में है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी, या फिर यूट्यूब पर जाकर के कमेंट करो, वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जरा सा देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं। ये 12th का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, नीचे देखते हैं जरा सा क्वेश्चन की संख्या कितनी है। तो थोड़ा सा सरप्राइज वाली बात है, इसको सरप्राइजली देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन ये कहां से है? मैट्रिक्स से है, आव्यूह चैप्टर से, जो कि शायद मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों आव्यूह को मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, 2, 3, 4, 5 ये सब इंटीग्रेशन से क्वेश्चन भर के दिया, समाकलन से दिया, समाकलन ही दिख रहा बहुत ज्यादा। हाँ, समाकलन ही चल रहा है बहुत सारा, वैसे देखो समाकलन अभी भी समाकलन दिख रहा है। ये मॉडल पेपर है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ये कितने हो गए? 38 हो गए, 38, 39, 40। देखते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में क्लास 12th के इंटरमीडिएट के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 44, 45, 46, 47, 48, 49 ये डिफरेंशिएशन का, ये है 3D का, हाँ 3D का कितना हुए? 50। हम लोगों को बनाना कितना क्वेश्चन? टोटल 50 बनाना, लेकिन 50 है नहीं, 50 नंबर कौन सा? डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा, जरूर मिल जाएगा ऑफिशियल मॉडल पेपर 51। 50 बनाना, लेकिन देखते हैं कि क्वेश्चन है कितना ऑब्जेक्टिव की संख्या, 51, 52, 53 देखते हैं टोटल कितने ऑब्जेक्टिव की संख्या है, 87, 88, 89, 90 कितने चल रहे हैं। इससे आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड ने कितना दिया, 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ऑब्जेक्टिव की संख्या टोटल 100 रखा हुआ है, यानी कि ये फिक्स हो गया, फाइनल हो गया कि 2023 में जो आपका इंटर का एग्जाम होगा इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इस बात से ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना है, जरा सा जब आप मॉडल पेपर जल्दी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, या फिर हमसे आप ले सकते हो बड़ी आसानी से। सिर्फ मैथ का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा बन रहा है, तैयार हो रहा है। मैंने देखा पर्सनली फिजिक्स का, फिजिक्स में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन दिया है, जो कि थोड़ा डीपली क्वेश्चन को लिया गया है। इस बात को ध्यान से समझना और सुनना है कि क्वेश्चन तो डबल कर दिया, लेकिन हर एक विषय में, जैसे कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखा, तो फिजिक्स का खास करके थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ले लिया है, यानी कि वो आसान वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग हमेशा अंदाजा लगाते कि ये सब आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड देकर के निकल जाएगा, लेकिन ये मॉडल पेपर हिंट्स कर रहा है कि आसान क्वेश्चन देकर के नहीं निकलेगा। जैसा कि एक एग्जांपल है, हम लोग लेंस मेकर सूत्र पढ़ते हैं, समतुल्य लेंस का फॉर्मूला जो प्रूव करते हैं फिजिक्स में, समतुल्य लेंस हम क्या करते हैं, ये दो लेंस इस प्रकार से टच में होता है, इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर लेते हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। लेकिन इसी में कौन सा क्वेश्चन दिया है, जब ये दोनों लेंस d दूरी पर होगा, ये वाला क्वेश्चन दिया है। ये भी आसान, बड़ी आसान, जिसको ये समझ में आ गया ये भी बड़ी आसानी से समझ लेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या किया कि लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, अंदाजा लगाते, लेकिन ये वाला क्वेश्चन दिया। और उसी प्रकार से स्व प्रेरकत्व, अनुन प्रेरकत्व दिया है, इसी प्रकार से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोगों के पैटर्न के हिसाब से ये पता चल गया कि 100 मैथमेटिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रहेंगे 35 क्वेश्चन बनाना है, 35 बनाना है, और रहेंगे कितना?
70 रहेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इनकी डबल क्वेश्चन आ रहा है। इस बात से आप खुश हो जाओ, ये वीडियो किस वीडियो को अपने दोस्तों को भी फैलाओ, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भेजो और बताओ कि डबल डबल क्वेश्चन आ, उसको ये मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर दिखाओ, लेकिन ये जल्दी आपको डाउनलोड करने को भी मिल जाएगा। और बाकी देखते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना होगा, 15 बनाना होता मैथमेटिक्स में जो कि दिया हुआ प्रश्न संख्या 1 से 30 तक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 30 में से कौन 15 को बनाना है, 30 में से 15 गुना 30, ये 30 में से 15 को बनाना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय कितने रहते हैं, बनाना होता हम लोगों को 4, लेकिन देगा कितना ये 8 देना चाहिए, तभी तो डबल होगा ना। ये दीर्घ उत्तरीय देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 31 से 38 यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए 8, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना, 8 प्रश्न है लेकिन जवाब कितना कर देना है 4, यानी कि लघु उत्तरीय वस्तु ने दीर्घ उत्तरीय सबको डबल कर दिया गया, सबके सब डबल डबल प्रश्न दिया गया है, क्लियर बात है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा नहीं है कंफर्म हो सकते हो, मैट्रिक इंटर सभी विषय का बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा एग्जाम का जो 2020 का 21 का रहा था, या फिर जैसा आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था। तो जल्दी से इस वीडियो को बाकी लोगों को भी फैलाओ, भेजो, सबको बताओ कि डबल डबल क्वेश्चन आ रहा है, और अभी भी 1.5 महीने के करीब समय बचा, अच्छे से तैयारी करो और जल्दी जल्दी धीरे धीरे सभी विषय का लिंक आपको मिलते रहेगा और जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करते रहो। धन्यवाद, इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को फैला दो।